Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, students. Students, today I am going to discuss a very important poem by Sylvia Plath, and this poem is "Lady Lazarus." Students, this poem is usually used as an example for her writing style. This poem was written in 1962, and it was collected in her volume called "Ariel," and uh, it is sort of confessional poem. सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगी कि कन्फेशनल पोएम्स या कन्फेशनल पोइट्री होती क्या है सुरेश कन्फेशनल पोइट्री की मूवमेंट जो है लेट ट्वेंटी सेंचुरी में पोइट्स uh, ने स्टार्ट की एंड दिस पोइट्री इज़ बेसिकली द पोइट्री ऑफ सफरिंग्स कन्फेशनल पोइट्स क्या करते हैं असल में दे ग्लोरीफाई द प्राइवेट एंड पर्सनल एक्सपीरियंसिस विच हैव नॉट बीन डिस्कस्ड सो इन अमेरिकन पोइट्री इन पोइट्स ने जिंदगी के पेनफुल एस्पेक्ट्स को रिवील किया उन्होंने अपने पर्सनल और प्राइवेट एक्सपीरियंसेस पर बेस करती पोइम्स लिखी जिसमें उन्होंने अपनी पेंस को अपनी सफरिंग्स को डिस्क्राइब किया अब जो टॉपिक्स इस पोइट्री में डिस्कस किए गए वो ज़्यादातर सोसाइड के बारे में लस्ट और लव हेटरड वगैरह से रिलेटेड थे तो यू कैन से कन्फेशनल पोइट्री इज़ एक्चुअली सेल्फ रेवलेट्री पोइट्री इन नेचर इसमें पोइट अपने जहनी हालत अपने जज्बात को रिवील करता है और अपनी ज़िंदगी के बारे में अपना विजन एक्सपोज करता है कन्फेशनल पोइटरी इज़ एक्चुअली मोस्टली डीलिंग विद प्राइवेट एक्सपीरियंसिस एंड फीलिंग्स अबाउट डेथ ट्रामा डिप्रेशन एंड साइकोलॉजिकल ब्रेक डाउन एंड एक कंसे कि इस तरह की पोइट्री में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी मिलते हैं क्योंकि इसमें पोइट अपनी लाइफ के अनप्लेजेंट प्राइवेट और बैलेंसिंग किस्म के जो इवेंट्स हैं उनको बयान करते हैं उनको रिवील करते हैं ठीक है और इससे पहले इस स्टूडेंट्स अमेरिकन पोइट्री में प्राइवेट एक्सपीरियंसिस को डिस्कस नहीं किया जाता था इसलिए ये जो कन्फेशनल पोइट्स हैं इन्होंने बिल्कुल न्यू ट्रेंड सेट किया और सिल्वे जो हैं इन्हीं कन्फेशनल में से एक हैं ये 27 अक्टूबर 1932 में बोस्टन में पैदा हुई और इन्होंने बहुत ही यंग एज में इनका जो लिटरेरी टैलेंट है ना वो एक्सपोज होना शुरू हो गया लेडी लजारस उस वक्त लिखी गई जब आ, वो काफ़ी ज्यादा मेंटल कैन से के आ, टेंशन से गुजर रही थी उनकी अपने हस्बैंड जो है वो आ, उनके हस्बैंड टेड ह्यूज़ जो कि ख़ुद भी एक बहुत फेमस पोइट हैं उनसे सेपरेशन हो चुकी थी और उनके फादर की डेथ हो चुकी थी और ये जो इनका लिटरेरी करियर है जिन दिनों में ये लेडी लजारस पोम लिखी गई ये इनका मोस्ट क्रिएटिव पीरियड कंसिडर किया जाता है कि इन दिनों में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी अच्छी पोइम्स लिखी बहुत फेमस और वेल नोन पोइम्स लिखी इन लेडी लजारस प्लेथ रोट अबाउट हर मल्टीपल सुसाइड हर लॉट ऑफ मेंटल सफरिंग्स हम इसमें बहुत सारी पेंस देखते हैं जो उसकी लाइफ पे जिनका इफ़ेक्ट हुआ तो हम लोग इसमें इस पोइम में डेथ और सुसाइड का एलिमेंट देखते हैं सिल्वियर प्लेथ की जो मौत है वो भी उसकी सुसाइड का नतीजा थी इसकी पोइट्री में हमें बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रगल साइकोलॉजिकल इलनेस नज़र आती है ठीक है तो स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट लेडी लिजारस लुक एट द टाइटल लेडी लिजारस जब हम पोइम का टाइटल पढ़ते हैं तो साफ ज़ाहिर होता है कि प्लेथ ने इसमें में रेफरेंस यूज़ किया है लिजारस असल में एक आदमी का नाम है जिसे जीसस क्राइस्ट ने मरने के बाद जिंदा किया था ठीक है इस पोएम में हम इसकी बहुत सी सुसाइड अटैम्प्ट देखते हैं मगर वो बताती है कि उसने सुसाइड की बहुत दफ़ा वो मौत के करीब जाके वापस आ गई उसको बचा लिया गया तो सो शी कंसीडर्ड हर सेल्फ द फीमेल वर्जन ऑफ लजारस ठीक है जैसे लजारस को जीसस क्राइस्ट ने जिंदा किया था तो वो ख़ुद को एक लजारस का फीमेल वर्जन कंसिडर करती है तो हम पोए को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स आई हैव डन इट अगेन वन ईयर इन एवरी टेन आई मैनेज इट पोम बहुत ही स्ट्रेंज वे में स्टार्ट होती है पोइटिस जो कि ख़ुद को लेडी लजारस के तौर पे प्रेजेंट कर रही है आ, हम देखते हैं कि इसमें वो हम बात करेंगे लेडी हम पोइट की बात बात नहीं करेंगे लेडी लजारस की बात करेंगे क्योंकि लेडी लजारस कहती है कि मैंने इसे फिर से किया आई हैव डन इट अगेन हर दस साल में एक दफ़ा ठीक है अब ये इट क्या है क्या किया उसने अब इसको जस्ट होल्ड ऑन हम इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे पोइम का तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही है अ सॉर्ट ऑफ वॉकिंग मिराक माई स्किन एज नाजली लैम्प शेड ट माई फेस अ फीचरलेस फाइन ज्यूलिनन अब लेडी लेजारस खुद को डिस्क्राइब कर रही है और बहुत ही हॉरीबल डिस्क्रिप्शन जो है वो उसने दी है वो कहती है कि मैं एक वॉकिंग मिराकल हूँ चलता फिरता मोज ये लाइन जो है टाइटल से रिलेट कर रही है ठीक है लजारे से कैसा आदमी था जिसे मौजाना तौर पे जीसस ने मरने के बाद जिंदा किया था अब स्पीकर कहती है कि उसने हर दस साल में मरने की एक दफ़ा कोशिश की मगर वो स्टिल जिंदा है तो वो खुद को एक मोजसा जो है वो कंसिडर कर रही है वो कहती है कि मैं वॉकिंग मेरा कुल हूँ फिर वो खुद को नाजी लैम्प शेड पेपर वेट और ज्यू लिनन से कंपेयर कर रही है ये जो सारे रेफरेंसेस हैं ना ये हॉलो रेफरेंसेस हैं अब ये हॉलो क्या है सर ये वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड्स होलो यानी कि होल और कॉस्टोस यानी कि बर्ंड से निकला है नाजी लीडर्स जो, जो था एडोल्फ हिटलर ज्यूज को इन्फीरियर रेस समझता था और उनको जर्मन नस्ल की प्योरिटी के लिए एक थ्रेट ख्याल करता था और फिर उसने क्या किया उसने वर्ल्ड वॉर टू के दिनों में तकरीबन सिक्स मिलियन ज्यूज और कुछ फाइव मिलियन दूसरे लोगों को रेशल पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल रीज़न से उनको जो है वो कत्ल किया बहुत बुरी तरह उनको मारा इसे हम हॉलो कहते हैं ठीक है हॉलो तो इन मारे जाने वालों में से एक मोर देन वन मिलियन बच्चे थे सो लेडी लजारस ख़ुद को हॉलो के जोश uh, विक्टिम्स के साथ कंपेयर कर रही है और ये नाजी क्या करते थे इन डेड बॉडीज़ को ये जिनको मार दे देते थे इनकी डेड बॉडीज़ को मुख्तलिफ चीज़ों की प्रोडक्शन में यूज़ करते थे उनकी डेड बॉडी से उनकी डेड बॉडी की स्किन से लैम्प शेड बनाए जाते थे पेपर वेट बनाए जाते थे कितना डिस्कस्टिंग है तो वो उन चीजों से खुद को कंपेयर कर रही है वो कहती है कि इसका जिस्म जो है उसकी फिजिकल बॉडी इसी तरह की इंसल्टिंग चीजें यानी कि लैम्प शेड पेपर वेट की तरह यूज की जा रही है और बहुत ही इंटेंस वे में उसने इस जो है इन लाइंस में अपनी पेन को शो किया है नेक्स्ट हम देखते हैं पील ऑफ द नैपकिन ओ माई एनिमी डू आई टेरीफाई नोस द आई पिट्स द फुल सेट ऑफ टीथ द सोर ब्रेथ विल वैनिश इन टे अब इस में लाइन्स में लेडी डारस हमें हमें एड्रेस कर रही है रीडर्स को एड्रेस कर रही है या फिर जो कुछ लोगों को एड्रेस कर रही है जो के, आ, कि लेकिन से यहाँ पर पोस्ट्रॉफी उसने यूज़ की है पोस्ट्राफी क्या होती है कुछ कु, ऐसी चीज़ को ऐसे ऑब्जेक्ट को ऐसे इंसान को डेड ऑब्जेक्ट को एड्रेस करना जो आपको आपके सामने प्रेजेंट नहीं है जो आपको रिप्लाई नहीं कर सकते तो यहां पे उसने पोस्ट्रॉफी यूज की है अब वो हमें एड्रेस वो कहती है कि जस्ट पील ऑफ द वो कहती है मेरे दुश्मन मेरे चेहरे से नैपकिन उतार दो ताकि तुम मेरा टेरिफाइंग फेस देख सको क्या मैं तुम्हें टेरिफाई करती हूँ ठीक है पोस्ट्रॉफी यूज हुई है और वो फिर खुद को मजीद डिस्क्राइब करती है कि द नोज द आई पिट द फुल सेट ऑफ टीथ कैसे डिस्क्राइब करिए एक जिंदा लाश की तरह क्योंकि देखिए वो आई बॉल्स की जगह आई पिट्स यूज़ कर रही है आँखों में गड़े पड़े हुए हैं आई बॉल्स नहीं है पिट्स हैं ठीक है तो और शोर ब्रेथ का वर्ड यूज़ करिए और वो कहती है कि जो कि एक दिन डिसअपेयर हो जाएंगी ये भी एक दिन डिसपेयर हो जाएंगे जिस तरह से उसकी एक्चुअल वो फिर ऐसे वो होगा कि कहते हैं कि वो मरी हुई तो पहले से है लेकिन जब ये सब चीज़ें भी डिसअपियर हो जाएँ तो उस दिन उसकी एक्चुअल डेथ हो जाएगी सोट्स बहुत ही इंटेंस इमेजरी यूज़ की गई है इस पोइम में इन लाइन्स से उसकी पेंस का हमें जो है वो अंदाज़ा होता है कि किस कदर पेनफुल रही होगी उसकी लाइफ और किस किस्म की मेंटल स्ट्रगल से वो गुजर रही होगी नेक्स्ट देखें सून सून द फ्लैश द ग्रेव केव it will be at home on me and i a smiling woman i am only 30 and like the cat i have nine times to die this is number 3 what a trash to inhale uh, annihilate each de decade अब इन लाइन्स में स्टूडेंट्स हमें असल में पता चलता है कि एक्चुअली व्हाट इज़ द पोएम अबाउट इससे पहले हमें सिर्फ उसके डिस्क्रिप्शन वो दे रही थी बहुत सारी चीज़ों के रेफरेंसेस मिल रहे थे हमें लजारस का रेफरेंस मिला लैंप शेड नाजीज़ का रेफरेंस मिला अब वो यहाँ पे क्या कहती है कि ये जो कबर है जिसने मेरा फ्लैश खा लिया हुआ है ये एक दिन मुझ पर एट होम फील करेगी यानी कि अब वो डेथ की बात कर रही है वो कह रही है कि मैं मर चुकी हूँ मैं आई एम डेड अब इसकी डेथ ये जो लिटरल डेथ नहीं है ये इसकी सिंबॉलिक डेथ है ठीक है यानी कि कहती है लिटरल डेथ में तो ये उसका बॉडी ख़त्म हो चुकी है उसकी फीलिंग्स लेकिन यहाँ पे ये लिटरल डेथ की बात नहीं हो रही वो अंदर से मर चुकी है इंसान जाहिर है कि सिर्फ लिटरली तो नहीं मरता ना जब इंसान की फीलिंग्स मर जाती हैं जब इंसान इतनी पेन से गुजरता है तो इसका मतलब है कि वो ख़त्म हो चुका है अंदर से उसकी आर्सूँ उसकी जो हैं वो एक्साइटमेंट नहीं रहा रही उसकी लाइफ में तो वो कहती है कि अब ये जो कबर है ये मेरे फ्रेश को खा चुकी है मेरे साथ बहुत एट होम फील करेगी और फिर वो हमें अपनी एज बताती है कि वो थर्टी इयर्स की है एंड शी इज़ स्माइलिंग अब यहाँ पे ये पैराडॉक्स स्टेटमेंट लगती है हमें ठीक है कि वो पहले तो हमें अपनी सफरिंग्स के बारे में बता रही है हमें उसके पेंस का पता चल रहा है और बहुत ही इंटेंस किस्म की इमेजरी के साथ उसने अपनी जो है वो सफरिंग्स बयान की हैं अब वो ये कह रही है कि आई एम स्माइलिंग वूमेन तो ये पैराडॉक्स स्टेटमेंट है लेकिन स्पीकर uh, हमें इस बात से जो पिछली हम सारी उसकी गुफ्तु पढ़ चुके हैं उससे हमें ये बात तो क्लियर है कि स्पीकर स्माइलिंग नहीं अगर हर हरगिज़ भी हो सकती मगर अब ये क्या है अब हो सकता है कि वो देखने वालों के परस्पेक्टिव से बात कर रही हो कि लोग समझते हैं कि वो यंग है और खुश है थर्टी ईयर्स की एज में तो इंसान बहुत फुल ऑफ़ एक्साइटमेंट होता है तो यंग होता है और खुश होता है तो वो यही हो सकता है कि वो देखने वालों के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हो कि वो लोग समझते हैं कि थर्टी इयर्स की है और वो स्माइलिंग है अब वो नेक्स्ट क्या कह रही है एंड लाइक द कैट आई हैव नाइन टाइम्स टू डाई नेक्स्ट वो खुद को कैट से कंपेयर कर रही है तो यहाँ पे सिमिली उसने यूज़ की है तो उसने अब यहाँ पे भी, भी देखें उसने लाइफ की बजाय डेथ का वर्ड यूज़ किया है ओल्ड वाइफ स्टेल्स के मुताबिक एक कैट जो है ना उसकी नौ जिंदगियाँ होती हैं वो नौ दफ़ा जन्म लेती है मगर देखें यहाँ पे भी वो लाइफ की बजाय डेथ की बात कर रही है वो ये नहीं कहती कि मैंने नाइन टाइम्स जो है वो ज़िंदा हुई हूँ वो कहती मैं नौ दफ़ा मरती हूँ मरी हूँ तो कैट की दर वो यहाँ पे ख़ुद को कैट से कंपेयर कर रही है कि उसे नौ दफ़ा कैट की तरह मरना पड़ा नाइन टाइम्स और फिर उसके बाद लेडी लजारस हमें बताती है कि दिस इज़ नंबर थ्री यानी वो अपनी थर्ड डेथ को एक्सपीरियंस कर रही है वो कहती है कि उसकी जिंदगी सिर्फ एक ट्रैश है जो हर दस साल में एक दफा खत्म होती है डिस्ट्रॉय होती है फना होती है ठीक है तो नेक्स्ट देखें वट मिलियन फिलामेंट्स, द पीनट क्रंचिंग क्राउड शॉप्स इन टू सी दैम अनरैप मी हैंड एंड फुट द बिग स्ट्रिप ladies gentlemen ladies these are my hands my knees i may be skin and bone nevertheless i am a same identical woman ab wo mazid khud ko khud ko na trash hone par jo hai wo leke chal rahi hai ke khud वो अपने आप को trash कह रही है ना पिछले हम lines में पढ़ा तो इसी trash को लेकर वो आगे चल रही है वो कहती है वो खुद को मिलियन फिलामेंट्स uh, कह रही है ठीक है फिलामेंट्स क्या होते हैं फिलामेंट्स जो एक यू नो बारीक बारीक रेशे ठीक है।, है तो फिलामेंट वो कहती है फिलामेंट्स में स्कैटर्ड है उसका वजूद यूनिफाइड नहीं है कहती उसे ऐसा लगता है कि पीनट क्रंचिंग क्राउड बहुत बड़ा हजूम है लोगों का तमाशा देखने वालों का जो उसे देखने के लिए शॉव्स इनटू सी एक दूस एक दूसरे को धक्कम पेल कर रहे हैं वो एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं उसको देखने के लिए जैसे कि वो कोई सर्कस का तमाशा हो और लोग ये हैं जो तमाशाई हो नेक्स्ट वो बहुत ही देखें वायलेंट किस्म के वर्ड्स यूज़ कर रही है, हैंड एंड फुट द बिग टीज वो कहती है कि ये क्राउड जो है अब उसे अनड्रेस करता है अन रैप करता है टीज होता है एक एक ऐसा शो जिसमें म्यूज़िक के साथ साथ कोई परफॉर्मर या कोई एक्टर खुद को अनड्रेस करता जाता है तो यहाँ स्ट्रिप टीज का जो वर्ड है बहुत ही स्ट्रेंज उसने यूज़ किया है ठीक है ये टीज में बताया मैंने आपको कि एक ऐसा शो होता है जिसमें म्यूज़िक के साथ साथ जो है वो एक्टर या परफॉर्मर ख़ुद को अनड्रेस करता जाता है तो वो कहती है कि ऐसा लगता है कि वो खुद को यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि वो अपने आप को एक इमेजनरी तौर पे ख़ुद को इमेजिन कर रही है एक टीज में ख़ुद को टीज में इन्वॉल्व फील कर रही है वो कहती है कि ये हजूम जो उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है उसको अन रैप कर रहा है और वो सब इसके बॉडी पार्ट्स को देख सकते हैं और फिर लगता है कि वो इस इमेजनरी सीन में खुद को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व फील करती है कि वो अपना कंट्रोल खो देती है ठीक है अपना कंट्रोल क्या खो देती है और वो कहती है लेडी जेंटलमैन लेडीज दीज आर माई हैंड्स माई नीज़ कि देखो ये मेरे हाथ हैं ये मेरे नीज हैं मगर साथ ही वो फिर वो ये भी कहती है कि आई एम द सेम आइडेंटिकल वमेन कि मैं वही आइडेंटिकल वूमेन हूँ इसका क्या मतलब है इसके दो मतलब हो सकते हैं हो सकता है कि वो ये कहना चाह रही हो कि वो वही औरत है जो कि अन रैप होने से पहले थी यानी कि पब्लिक जो स्ट्रिपिंग है उसने उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया या फिर ये कह सकते हैं कि वो आज भी वही औरत है जो वो खुदकशी की कोशिश करने से पहले थी जो वो मरने से पहले थी यानी कि उसके ख्यालात में कोई बदलाव नहीं आया उसके जिन, उसे ज़िंदगी से अब भी उतनी ही नफरत है जितनी उसकी उससे जब उस पहली दफ़ा उसकी डेथ अटैम्प्ट uh, हुई और उसके बाद सेकंड टाइम उसने जो है वो आ, मौत के वो करीब गई और अब भी उसकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आया वही ज़िंदगी पहले जैसी ही वो अब गुजार रही है वो अब भी जीना नहीं चाहती वो पहले भी जीना नहीं चाहती थी नेक्स्ट देखें द फर्स्ट लाइन फर्स्ट टाइम इट हैपन्ड आई वॉज टेन आई इट वॉज एन एक्सीडेंट द सेकेंड टाइम आई मीट टू लास्ट इट आउट एंड नॉट कम बैक एट ऑल आई रॉकड शट as i see shell they had to call and call and pick the worm of me like sticky pearls in these lines lady lazarus tells us about uh, her previous two lives or you can say two deaths theek hai इसमें यहाँ पे वो अपनी previous दो deaths के बारे में बताती है कि जब पहली दफ़ा उसने uh, ऐसा हुआ था तो वो 10 साल की थी और ये एक accident एक था और दूसरी दफ़ा इसने uh, ये वो death के ख्याल के साथ इतनी अटैच हो गई कि उसने खुद सुसाइड अटैम्प्ट की मरने की कोशिश की जिंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की और फिर कभी वापस ना आने का उसका इरादा था टू लास्ट इट आउट इसको ख़त्म करने की एंड नॉट कम बैक एट ऑल कि वापस कभी ना आने का इरादा था ठीक है सिल्विया ने स्टूडेंट्स कॉलेज लाइफ में ख़ुदकशी की कोशिश की थी और बहुत सी स्लीपिंग पिल्स खा ली थी और इसी इंसिडेंट के बारे में उसने अपने एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल द बेल जार में भी लिखा है नेक्स्ट उसने फिर इसमें सिमिली यूज की है सी यहाँ देखें सेज रॉकट शट एज अ सी शेल वो अपने आप को सी शेल की तरह शट कर लेना चाहती थी यहाँ दे का वर्ड उन लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है जिन्होंने उसे बचा लिया वो कहती है कि उन्होंने मुझे दे यहाँ देखें दे हैड टू कॉल एंड कॉल और फिर उन्होंने मुझे बचा लिया और मेरे वॉम्स को ऐसे उठाया जैसे स्टिकी पर्ल्स हों नेक्स्ट देखें डाइंग इज एन आर्ट लाइक एवरी थिंग एल्स आई डू इट एक्सेप्शनली वेल आई डू इट सो इट फील्स लाइक हेल आई डू इट सो इट फील्स रियल आई गेस यू कुड से आई हैव अ कॉल इट्स ईजी इनफ टू डू इट इन अ सेल इट्स इजी इनफ टू डू इट एंड स्टे पुट अब इन लाइंस में वो कहती है कि मरना भी एक आर्ट है डाइंग इज एन आर्ट जैसे बाकी सब आर्ट होते हैं यानी अगर जीना एक आर्ट है तो मरना भी एक आर्ट होगा और स्पीकर कहती है कि शी इज एन आर्टिस्टिक जीनियस एट डाइंग वो ये काम बहुत अच्छे तरीके से जा करती है मरना यहाँ यहाँ इस इन लाइंस में एनाफोरा इस्तेमाल हुआ है देखें एनाफोरा क्या होता है किसी सेम वर्ड की या फ्रेज़ की रेपिटेशन देखें आई डू आई डू आई डू तीन लाइंस में उसने दो, दो तीन लाइंस में उसने आई डू यूज़ किया है उसके बाद लास्ट लाइन में इट्स ईजी इट्स ईजी एनफ इट्स ईजी एनफ टू डू एनाफोरा यहाँ पर उसने यूज़ किया है वो ये क्या कहती है वो कहती है कि डाइंग भी एक आर्ट है और वो डाइंग आर्ट में मास्टर है एंड शी डज़ इट सो वेल दैट इट फील्स लाइक हेल इट फील्स लाइक रियल दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि वो मौत की इतना पास जाती है कि उसे रियल में फील कर सकती है ज़्यादा वाज़ लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि वो खुदकशी की बात कर रही है आई हैव अ कॉल का मतलब ये भी हो सकता है कि डेथ मुझे बुलाती है यानी कि uh, उसे ज़िंदगी में अब किसी किस्म की अट्रैक्शन फ़ील नहीं होती है it is theatrical. come back in a broad way to the same place, the same face, the same brute. amused shout, a miracle. that knocks me out. there is a charge for the eyeing of my scar. there is a charge for the hearing of my heart. it's really goes. and there is a charge, a very large charge, for a word or a touch, or a bit of blood, or a piece of my hair, or my clothes. अब इन लाइंस में वो अपनी ज़िंदगी में वापस आने को एक थैट्रिकल एक्ट कहती है बहुत ड्रामाई सा है ये कहती है कि जैसे वो कोई तमाशा हो कोई ब्रूट और वशीत सा इंसान उसे देख चलाता है कि वो एक मराकल है मोजसा है वो कहती है कि उसको उसके बारे में जब ये कहा जाता है ना मिराकल है वो कोई मौजसा है तो वो ये बात उसे नॉकआउट कर देती है यहाँ नॉकआउट से मुराद सरप्राइज़ होना हैरान होना है फिर वो कहती है कि देर इज अ चार्ज यानी कि मैं जो एक स्पेक्टिकल हूँ लोगों के लिए तो लोगों को इस कार मेरे स्कार्स देखने के लिए मेरे ज़ख्म देखने के लिए ये फ्री नहीं है उनको इसके लिए चार्जेस पे करने पड़ेंगे ठीक है तो वो कोई तमाशा किसी किस्म का फ्री का तमाशा नहीं है अगर लोग उसके ज़ख्म देखना चाहते हैं लोग उसके दिल की धड़कन सुनना चाहते हैं उसे टच करना चाहते हैं और दे वॉन्ट टू टेक अ तो बिट ऑफ हर ब्लड ब्लड और और यू कैन से हेर क्लो हर क्लॉथ्स दे हैव टू पे फॉर ऑल दीज थिंग्स ये स्पेक्टिकल दिसपेक्टिकल इज़ अ फ्री स्पेक्टिकल सो so, अब यहाँ पे जो ये सारा का सारा फिगरेटिव है लेडी लजारस ख़ुद को विक्टिम फील कर रही है उसे लगता है कि वो जैसे वो किसी सर्कस में है और लोग उसका तमाशा देख रहे हैं ठीक है सो सो हर डॉक्टर सो हर एनिमी आई एम योर ओपस आई एम योर वैल्यूएबल द प्योर गोल्ड बेबी दैट मेल्ट्स टू अ श्रीक आई टर्न एंड बर्न डोंट थिंक आई अंडर एस्टिमेट योर ग्रेट कंसर्न हर यहाँ पे लफ्ज़ जो हर यूज़ हुआ है ये एक जर्मन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब मिस्टर या सर है और ये डॉक्टर लफ्स उन नाजी डॉक्टर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है जो जुइश विक्टम्स को ट्रीट करते थे ताकि उनको जिंदगी में वापस लाकर उनका ट्रीटमेंट करके उन पर मजीद जुल्म कर सकें और वो फिर वो कहती है आई एम योर ओपस एन ओपस ओपस क्या होता है अ पीस ऑफ फाइन लिटरेरी वर्क या फिर वो कहती है कि शी इज़ आई एम योर वैल्यूएबल द प्योर गोल्ड बेबी ख़ुद को वो प्योर गोल्ड बेबी कहती है ख़ुद को वैल्यूएबल कहती है असल में वो इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की बात कर रही है वो इस दुनिया के मर्दों को ख़ुद का दुश्मन समझती है वो कहती है कि वो वैल्यूएबल है मर्दों के लिए मगर जस्ट एक ऑब्जेक्ट के तौर पर अब हम इन्हीं चीज़ों को इन्हीं इन्हीं बातों को प्रीवियस लाइन्स के साथ कनेक्ट करते हैं वहाँ जो चार्जिस का वर्ड इस्तेमाल हुआ था यहाँ क्लियर हो रहा है मतलब स्पीकर खुद के लिए खुद चार्ज नहीं कर रही बल्कि ये वो मर्द हैं जिनके लिए वो एक वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट है और उसकी पेंस को भी कैश करवा रहे हैं ठीक है हम यहाँ देखते हैं कि लेडी लजारस के तमाम रेफरेंसेस हॉलो की तरफ जा रहे हैं जिसके नतीजे में मिलियंस लोगों की डेथ हुई थी और वो अपने दुख को जितना एक्सट्रीमली बयान करना चाहती है उस एक्सट्रीम के लिए ये रेफरेंसेस बेस्ट रेफरेंसेस हैं आई थिंक एश एश यू पोक एंड स्टीयर फ्लैश बोन देर इज नथिंग देयर अ केक ऑफ सोप

अब बाकी क्या रहा वेडिंग रिंग गोल्ड फिलिंग और सोप यहाँ सोप का रेफरेंस भी हॉलो की तरफ इशारा कर रहे हैं यहाँ इन लाइंस में लेडी लजारस की टोन जो है काफ़ी हद तक चेंज हो गई है पोइम के स्टार्ट में हम देखते हैं कि उसकी टोन काफ़ी हेल्पलेस और वीक थी जैसे वो इमेजिन कर रही हो कि हर कोई उसका तमाशा देख रहे हैं मगर अब जबकि वो डेड हैं अब वो जल के मर चुकी है अब वो ख़ुद को पावरफुल इमेजिन कर रही है अब वो खुद को तमाशे की बजाय तमाशाई समझ रही है कहती है वो सबको देख रही है और कहती है कि कि ऐसे जैसे कि वो सबको कर रही हो। हर हर मिस्टर मिस्टर यहां मेल, आ, मेल्स को दो अपोजिट वे में उसने प्रेजेंट किया है ठीक है दो अपोजिट वे में उसने प्रेजेंट किया लूसीफर और गॉड के तौर पर तो उसके बाद वो क्या कहती है आउट ऑफ एश आई राइज़ विद माई रेड हेयर एंड ई आई ईट मैन लाइक हेयर वो कहती है कि मुझे ज़िंदा जला दिया गया था मैं फिर से उठ गई हूँ आउट ऑफ एश मैं फिर से उठ गई हूँ राख से मैं फिर से ज़िंदा हो गई हूँ क्योंकि मैं लेडी लजारस हूँ और बाइबल के साथ बाइबल के लजारस की तरह उसे जेजस की ज़रूरत नहीं है रिज्रक्शन के लिए बल्कि वो खुद अपने दम पर अपनी राख से उठ सकती है अब यहाँ अगर हम देखें तो लेडी लजारस खुद को फोनिक्स से रिलेट भी कर रही है सर so, फोिनिक्स क्या है ये एक मिथिकल बर्ड है जो जल कर मरता है और उसकी राख से एक नया बर्ड जन्म लेता है रेड हेयर भी आ, उसके ये yes, फोिनिक्स के रेड फैदर्स की तरफ इशारा करते हैं आई राइज विद माई रेड हेयर फिर वो मजीद क्या कहती है आउट ऑफ एश आई राइज आई ईट यहाँ पे लिखा है आई एंड आई ईट मैन लाइक एयर यहाँ पे पॉइंट बड़ी एम्बिगुअस है ठीक है अब आई ईट मैन लाइक केयर का क्या मतलब हो सकता है हो सकता है कि उसने अब वो डिटर्मिंड है कि उसने खुद को मारना नहीं है खुद को मारने के बजाय मर्दों से बदला लेना है ठीक है ताकि वो नेक्स्ट लाइफ में उन्हें उसे इन मर्दों की वजह से मौत का सामना ना करना पड़े तो इसीलिए वो कहती है आउट ऑफ द एश आई राइज विद माई रेड हेयर एंड आई ईट मैन लाइक एयर सो स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल अबाउट लेडीज़ लजारस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिल्वे uh, की एक और पोइम डैडी को पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़